है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंडरिंग ब्रश बाय YTM। आज हम आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट दिखाने वाले हैं जहां आपको टिपिकल बंगाली वाइब्स मिलने वाला है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि यहां के इंटीरियर में इंटरेस्टिंग और यूनिक क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। इस जगह का नाम है चोलो बांग्लाय और ये है आशीघर मोड़ में। तो यहाँ का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो है सबसे ज़्यादा यूनिक। तो आज आप लोग देख सकते हैं मैं एक रिक्शा में बैठी हुई हूँ और यहीं पर बैठ कर मैं आज खाना खाने वाली हूँ। यहाँ का जो भी स्पेशल डिशेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहना। खाना आ चुका है एंड आप लोग सामने देख सकते हैं सारा बंगाली खाना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले है बासुंती पुलाव, धोने पत्ता काचा लौंग का चिकन, और यहाँ हम लोगों ने एक मटन थाली मंगाया था जिसमें है यहाँ पे मटन, दाल धोकर डालना, आम है चटनी, मिष्टी बेगुनी, और यहाँ पे दिया है पोटले दोलमा। तो मैं सबसे पहले थाली ट्राई कर रही हूँ, दाल के साथ ट्राई करती हूँ। तो ये सोनामुख दाल है। इस दाल को बेसिकली बंगाली कुजीन में बहुत खाया जाता है और इस दाल का एक अलग ही फ्लेवर होता है जो नॉर्मल मूंग दाल से थोड़ा अलग है, और इसका वो फ्लेवर की वजह से ही ये ज़्यादा फेमस है। इसके बाद मैं ट्राई कर रही हूँ धोकर डालना पे, दो पीस धोकर दिया हुआ है। तो इसको पोस्तो के मैरिनेशन में बनाया गया है, थोड़ा स्पाइसी है। बेगुनी भी ट्राई करते हैं, नॉर्मली मैं बेगुन खाती नहीं हूँ बट ये भी क्रिस्पी सा है बहुत। नेक्स्ट ट्राई करते हैं पोटलेट दोलमा। पोटलेट दोलमा बेसिकली एक ऐसा डिश है जिसमें पोटल के अंदर कुछ स्टफिंग्स दिए हुए रहते हैं, उसके बाद उसको पोस्तो वाले या कुछ लोग सरसों में भी बनाते हैं, उसके मैरिनेशन में प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट ट्राई करते हैं मटन। मटन ना बहुत सॉफ्ट है, डिलीशियस, बहुत ही फ्लेवरफुल है। मटन स्पाइसी है एंड तो मटन का टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब तोड़ने में भी बहुत इजी हो रही है एंड स्पाइस लेवल इतना परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यह। तो मैं पहले पुलाव ट्राई कर लेती हूँ, चटनी एंड मिठाई मैं बाद में खाऊँगी। और अभी मैं ले रही हूँ धोने पत्ता काचा लौंग का चिकन, आई गेस ये उनका स्पेशल है यहाँ का। देख के तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। पहले मैं नॉर्मली पुलाव ट्राई कर लेती हूँ। पुलाव थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट है, थोड़ा कम होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। चिकन का ग्रेवी बहुत ही टेस्टी है, धनिया पत्ता और जो
ग्रीन चिली का टेस्ट है, सेपरेटली समझ में आ रहा है। चटनी टेस्ट कर लेती हूँ, आम का चटनी दिया हुआ है। चटनी भी बहुत टेस्टी है। जनरली नॉर्थ इंडियन एंड बाकी कुजींस में चटनी को खाने के साथ खाया जाता है, बट बंगाली कुजीन पे चटनी को हमेशा खाने के लास्ट में खाया जाता है। तो ये कुछ ऐसा था जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, सो मैंने ये शेयर किया आप लोगों के साथ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगर आप लोग फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन टेक केयर एंड बाय।